नमस्कार, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल में। तो क्या बेईमानी से हारा किंग्स इलेवन पंजाब, 158 रन का पीछा करते हुए 55 रनों पर 5 विकेट, फिर एक बैट्समैन की शानदार पारी और आखिरी दो गेंद में एक रन की ज़रूरत, लेकिन आखिरी दो गेंदों में कोई रन नहीं और जीती हुई टीम मैच हार गई। ये कहानी है किंग्स इलेवन पंजाब और दिल्ली कैपिटल के बीच हुए IPL 2020 के दूसरे मुकाबले की, जिसमें सुपर ओवर हुआ और आखिरी में दिल्ली ने पंजाब को हरा दिया। लेकिन पंजाब के बहुत सारे फैंस सोशल मीडिया पर इस मैच के फैसले को बेईमानी वाला फैसला बता रहे हैं। कई लोग कह रहे हैं कि इस मैच में सुपर ओवर की ज़रूरत नहीं थी, पंजाब की टीम 20 ओवरों में ही मैच जीत गई थी। मैच में क्या हुआ ये शुरू से बताते हैं। पंजाब ने दिल्ली को पहले बैटिंग के लिए बुलाया, दिल्ली ने 157 रन बनाए, इसमें से अगर स्टोनिस नहीं होते तो शायद यह स्कोर बना पाना। स्टोनिस ने 20 बॉल में 50 मारी। अब पंजाब की बैटिंग आई, लेकिन उनकी टीम 55 रनों पर 5 विकेट कमाकर इस मैच में फंस गई थी। लेकिन मयंक अग्रवाल अकेले डटे रहे और मैच को खींचते खींचते आखिरी तक ले गए। वही 16वें ओवर में उन्होंने फिर गियर चेंज किया। 16वां ओवर जब खत्म हुआ तो पंजाब को 24 गेंदों में 53 रनों की ज़रूरत थी। पहले मयंक ने 16वें ओवर में 2 बाउंड्री लगाई, फिर 16वां ओवर जब खत्म हुआ तो पंजाब को 24 गेंदों में 53 रनों की ज़रूरत थी। पहले मयंक ने 16वें ओवर में 2 बाउंड्री लगाई, फिर 17वें ओवर में 2 लंबे छक्के जड़ दिए। देखते ही देखते पंजाब को 12 गेंदों में 25 रन चाहिए थे। इसके बाद रबाड़ा 19वां ओवर लेकर आए, मयंक ने इस ओवर में भी 2 चौके लगाए और फिर रिंकी पोंटिंग समेत पूरे दिल्ली कैपिटल को डरा दिया। इस ओवर में ही आई वो तीसरी गेंद जिसको लेकर सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई, यानी जिस गेंद पर मयंक ने 2 रन बनाए लेकिन मिला सिर्फ 1। रबाड़ा ने ओवर की तीसरी गेंद डाली, मयंक ने लॉन्ग ऑन की तरफ शॉट मारा और तेज़ी से दौड़ लगाई। दूसरे एंड पर क्रिस जॉर्डन भी तेज़ी से दौड़े, लेकिन उन्होंने जब 1 रन पूरा किया तो फील्ड अंपायर को लगा शायद जॉर्डन ने रन पूरा नहीं किया। उन्होंने थर्ड अंपायर से पूछा, थर्ड अंपायर ने भी इसे शॉर्ट रन करार दिया। बाद में वीडियो देखने पर लगा था कि जॉर्डन ने रन पूरा किया था। आखिरी ओवर में पंजाब इसी 1 रन से पीछे रह गई और मैच टाई हुआ, जो कि सुपर ओवर में दिल्ली ने जीत लिया। इसके बाद सोशल मीडिया पर इस रन पर ढेर सारे कमेंट्स आ गए। वीरेंद्र सहवाग ने भी ट्वीट किया और